Good morning students, this is Bhanu Pratap Singh. In this lecture, we are going to cover the remaining portion of the CNC machine and automation, which is unit 7, operations involved in turning and milling. बच्चों इसमें इस लास्ट चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो टर्निंग और मिलिंग ऑपरेशंस है जो सीएनसी मशीन में होता है वो कौन कौन से प्रोसेसेस से होकर गुजरता है या किस तरह की टर्निंग और किस तरह की मिलिंग होती है. उसके बाद इससे रिलेटेड हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओवरव्यू से होंगे, मतलब कंप्लीट सिलेबस से होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर इन्वॉल्व हैं या कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं. तो सबसे पहले हम बात करें टर्निंग प्रोसेसेस की. तो टर्निंग प्रोसेस क्या है उसको लॉक कर दीजिए. टर्निंग प्रोसेस क्या है, तो टू प्रोड्यूस स्ट्रेट कोनिकल कर्व्ड या ग्रूव्ड वर्क पीसेस जैसे कि शाफ्ट स्पिंडल्स और पिंस. कह रहा है स्ट्रेट कोनिकल कर्व या ग्रूव्ड वर्क पीसेस बनाना जैसे शाफ्ट स्पिंडल और पिंस टर्निंग कहलाता है. नेक्स्ट बात करें कि इन दिस प्रोसेस द टूल इज फेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्पिंडल. तो क्वेश्चन एक बन सकता है बेटा कि इन विच प्रोसेस द टूल इज फेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्पिंडल, मतलब किस प्रक्रिया में जो टूल होती है वो स्पिंडल की अक्ष के दिशा में फेड की जाती है, तो बेटा टर्निंग प्रोसेस होता है. वही कह रहा है ये कि टर्निंग प्रोसेस की बात कर रहा है. टर्निंग इज द रिमूवल ऑफ मेटल फ्रॉम द आउटर डायमीटर ऑफ ए रोटेटिंग सिलेंड्रिकल वर्कपीस. जो टर्निंग होता है मेटल रिमूव करता है किससे, रोटेटिंग सिलेंडर का जो वर्कपीस होता है, मतलब सिलेंड्रिकल वर्कपीस जो बेलनाकार कार्यखंड होता है उसको घुमाने के बाद उसके बाहरी व्यास से मटेरियल को निकालना ही टर्निंग कहलाता है ना. तो कुछ कॉमन से टर्निंग प्रोसेसेस हैं जैसे स्ट्रेट टर्निंग. आप लेद में जब भी ऑपरेशन किए होंगे आप देखे होंगे स्ट्रेट टर्निंग. आप टेपर टर्निंग भी किए होंगे. आप प्रोफाइलिंग इमेज से क्लियर हो रहा होगा कि स्ट्रेट टर्निंग क्या है, टेपर टर्निंग क्या है, प्रोफाइलिंग क्या है, टर्निंग एंड एक्सटर्नल ग्रूविंग क्या है. तो कुछ ऐसे टर्निंग के प्रोसेसेस हैं जिसको हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो कौन से ऑपरेशंस ऐसे हैं जो टर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं. तो टर्निंग में बेटा आप फेसिंग भी करते हैं, टर्निंग में आप टेपर टर्निंग भी करते हैं, टर्निंग में आप फॉर्म टर्निंग भी करते हैं, टर्निंग में आप चैम्फरिंग भी करते हैं, टर्निंग में कट ऑफ भी होता है, टर्निंग में चूड़ी काटना यानी थ्रेडिंग भी है, बोरिंग भी है, ड्रिलिंग भी है और नर्लिंग भी है. ये सारे जो प्रोसेस हैं बेटा वो सब टर्निंग ऑपरेशन में या टर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जुड़े होते हैं. इन सब को हम टर्निंग कहते हैं. आते हैं मिलिंग प्रोसेस में. तो मिलिंग क्या है बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक लाइन में जान लीजिए कि मिलिंग इज़ अ मेटल रिमूवल प्रोसेस. मेटल रिमूवल प्रोसेस है किससे, बाई यूजिंग ए रोटेटिंग कटर हैविंग वन और मोर कटिंग टीथ. कटिंग एक्शन आर कैरिड आउट बाई फीडिंग द वर्क पीस अगेंस्ट द रोटेटिंग कटर. कहना ये चाह रहा है जो मिलिंग प्रोसेस है वो मेटल रिमूवल प्रोसेस है जिसमें एक कटर होता है जिसे रोटेट कराते हुए क्या करते हैं, वर्क पीस को उसके अगेंस्ट में फिड करते हैं और वो कटर एक या एक से अधिक टिथ को वर्क पीस से एंगेज किए रहता है. मिलिंग प्रोसेस कहलाता है. इसलिए द स्पिंडल स्पीड, द टेबल फीड, द डेप्थ ऑफ कट एंड द रोटेटिंग डायरेक्शन ऑफ द कटर बिकम द मेन पैरामीटर्स ऑफ द ऑफ दिस प्रोसेस या ऑफ द प्रोसेस. कह रहा है जो स्पिंडल की स्पीड होती है, जो टेबल की फीड होती है, जो डेप्थ ऑफ कट होता है काटने की जो गहराई होती है और जो कटर के रोटेशन की दिशा होती है वो मेन पैरामीटर होता है किसका, मिलिंग प्रोसेस का. अगर इन पैरामीटर्स को हम अच्छे से सेट कर लें, संतुलित कर लें, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो तो हमें बेस्ट मिलेगा, गुड मिलेगा, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं कि सर कुछ तो रोटेटिंग है, कुछ रेसिप्रोकेटिंग टाइप में है, तो कैसी प्रक्रियाएं या कौन कौन से रोटेटिंग में आ जाएंगे और कौन कौन से रेसिप्रोकेटिंग में. तो बेटा इसके लिए हमने एक चार्ट प्रिपेयर की है, उस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस किस में आएंगे.
फॉर एग्जाम्पल, अगर मशीनिंग ऑपरेशन है तो मशीनिंग ऑपरेशन दो तरह का हो सकता है, रोटेटिंग टाइप और रेसिप्रोकेटिंग यानी पश्चाग्र टाइप में और घुमाऊ टाइप में, घुमाऊ प्रकार का और पश्चाग्र प्रकार का। तो अगर रोटेटिंग टाइप में है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो टूल रोटेट करेगा या तो वर्कपीस रोटेट करेगा। तो कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं जिसमें टूल रोटेट करता है? तो बेटा मिलिंग, ड्रिलिंग, फ्लाई कटिंग और ग्राइंडिंग ऐसे प्रोसेसेस हैं मिलिंग के या मशीनिंग ऑपरेशन है जिनमें टूल रोटेट करता है, जबकि टर्निंग, नर्लिंग, ग्रूविंग और पार्टिंग में हमारा वर्कपीस रोटेट करता है। दूसरे साइड में रेसिप्रोकेटिंग की बात करें तो अगर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारा टूल रेसिप्रोकेट कर सकता है या तो हमारा वर्कपीस रेसिप्रोकेट कर सकता है। तो अगर टूल रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है तो उसके लिए शेपिंग और स्लॉटिंग होगी ऑपरेशन, जिसमें टूल रेसिप्रोकेट करता है, और प्लानिंग ऑपरेशन में, प्लानिंग प्रोसेस में हमारा वर्कपीस रोटेट करता है रेसिप्रोकेटिंग, सॉरी वर्कपीस रेसिप्रोकेट करता है इन रेसिप्रोकेटिंग टाइप में। तो कुछ कॉमन से क्लासिफिकेशन थे मशीनिंग ऑपरेशन के जिसको आपको जानना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं, जो ऑपरेशन अभी मैंने मेंशन किए डायग्राम के साथ उन्हीं को एक लिस्ट बना रखा है कि मिलिंग में कौन कौन सी, तो फेस मिलिंग, एंड मिलिंग, वो हमारा क्या था, ठीक है ना। तो फेस मिलिंग या एंड मिलिंग, इसमें बेटा हम आपका टर्निंग की बात कर रहे थे, ये सारे टर्निंग ऑपरेशन थे। जबकि हम बात करें मिलिंग की तो फेस मिलिंग, एंड मिलिंग, कीवे कटिंग, डोवेटेल कटिंग, टी स्लॉट और सर्कुलर स्लॉट कटिंग, गेयर कटिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग और जो जिग बोरिंग है, ये सारे किसके ऑपरेशंस हैं, मिलिंग के ऑपरेशंस हैं। तो टर्निंग और मिलिंग दो ही हैं इस चैप्टर में। मैं अगर डिफरेंस की बात करूँ तो पूछेंगे सर आप अंतर क्या है टर्निंग और मिलिंग में, तो बेटा कॉमन सा अंतर है, कुछ अंतर जो हैं उसको एक बार हमने लिस्ट आउट किया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। देखिए क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहला जो टर्निंग होता है बेटा, वो एक बेलनाकार या एक कोनिकल सरफेसेस परफॉर्म करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, जनरेट करने के लिए होता है। जबकि मिलिंग क्या है, फ्लैट सरफेसेस जनरेट करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए होती है। सेकंड डिफरेंस क्या है, टर्निंग कह रहा मशीन टूल दैट इज़ यूज फॉर टर्निंग, वह मशीन टूल जो टर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टर्निंग और प्रक्रिया के लिए, उसे हम लेद कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, मिलिंग मशीन होती है। जो टर्निंग प्रोसेस है बेटा वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है यानी कि SPTT है, जबकि मिलिंग जो प्रोसेस है वो मल्टी पॉइंट टूल है जिसे कॉल मिलिंग कटर भी कहते हैं। जो यहाँ पे कटिंग होती है, वो जो कटिंग टूल होता है वो प्रक्रिया के दौरान, ऑपरेशन के दौरान वर्कपीस से कॉन्टैक्ट यानी संपर्क में रहता है। यहाँ पर जो होता है ऑपरेशन, उसमें जो कटिंग टूल होता है वो एंगेज डिसएंगेज वर्कपीस से करता रहता है, यानी जो प्रक्रिया है मशीन टूल और वर्कपीस के बीच जो कॉन्टैक्ट है वो इंटरमीटेंट है, यानी रुक रुक करके होता है। यहाँ पे जो वर्कपीस होता है वो रोटेट करता है और उसे किसी RPM से दे दिया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो कटर होता है वो रोटेट करता है और उसे किसी RPM पे फिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, टर्निंग में फीड मोशन कह रहा है कटिंग टूल को मूव करा के होती है, यानी टूल कह रहे इसमें। मिलिंग क्या करता है, डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स प्रोड्यूस करता है, जबकि टर्निंग फ्रेगमेंटेड, डिसकॉन्टिन्यूस या फिर कॉन्टिन्यूस। अगर लगातार चिप बन रहा है तो उसको कॉन्टिन्यूस चिप कहेंगे, अगर चिप छोटे छोटे टुकड़ों में है तो उसे डिसकॉन्टिन्यूस चिप कहेंगे, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है जो मिलिंग है, मिलिंग प्रोसेसेस कैन इफिशियंटली हैंडल है वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल। जो मिलिंग प्रोसेस है वो क्या होता है, पदार्थों का एक ज़्यादा सा एरिया कवर करता है, या उसकी प्रोसेस के लिए जो ज़्यादा एरिया कवर करता है और ये इफिशियंट हो सकता है, ठीक है बेटा। तो दिस प्रोसेसेस कैन इफिशियंटली हैंडल अ वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल। ये जो प्रोसेसेस हैं वो प्रभावी रूप से एक ज़्यादा क्षेत्र पदार्थ का कवर करते हैं, तो इसी को हम मिलिंग ऑपरेशन कह रहे हैं, मिलिंग कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ वेरियस टर्म्स हैं जिन्हें हमें डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो सबसे पहला क्या है, क्लियरेंस।
तो बेटा क्लियरेंस नाम से ही स्पष्ट है, द गैप दैट अलाउ, वो स्पेस हम दे देते हैं जो क्या करता है, दो असेंबली, दो कंपोनेंट की असेंबली के बीच में मोशन या मूवमेंट को प्रोवाइड करता है। इस मॉडल के लिए केवल लीनियर डायमेंशन हम देते हैं, जिसको हम क्लियरेंस को किस पे मापते हैं, लंबाई की यूनिट में मापते हैं। दूसरा जो टर्म होता है रिट्रैक्ट, क्या है? तो रिट्रैक्ट का मतलब विड्रॉ है, हटाना, निकालना, ऑफ आवर स्टेटमेंट बिफोर एनी रिलेवेंट पार्टी एक्ट, है ना, किसी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से पहले हम विड्रॉ करते हैं, बिट करते हैं, या कोई भी ऑपरेशन रिट्रैक्ट करना हो, रिट्रैक्ट मीन्स क्या, विड्रॉ करना हो, तो उसके लिए हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो डेप्थ ऑफ कट आता है। डेप्थ ऑफ कट क्या है, शॉर्ट में DOC, वो होता क्या है बेटा, जनरली हम इंचेस या मिलीमीटर में नापते हैं। वो होता क्या है, हम ये जानने के लिए कि कितना चौड़ा और कितना गहरा टूल कटिंग कर रहा है वर्कपीस में, कार्यखंड में, उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ कट कहते हैं। तीन पैरामीटर होते हैं, स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट, यही तीनों मटेरियल रिमूवल रेट यानी MMR को निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अगला टर्म हमारा आता है ओवरलैप। ओवरलैप क्या है, तो बेटा ओवरलैप सिंपली क्या कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कोई एक प्रक्रिया कंटिन्यू है, उसके ऊपर हम दूसरी प्रक्रिया को भी मैन्युफैक्चरिंग में एक ऑर्डर में लगाते हैं, मतलब अभी एक प्रोसेस ओवर ही नहीं हुआ है, दूसरा प्रोसेस कंटिन्यू कर गया बिटवीन द ऑपरेशन, तो उसी को हम ओवरलैप कहते हैं। मतलब क्या कि जो ऑपरेशन पहला अभी फिनिश नहीं हुआ, उसके पहले ही दूसरा ऑपरेशन क्या हो गया, बैच प्रोसेसिंग प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट हो गया, उसी को हम क्या कह रहे हैं, ओवरलैपिंग कह रहे हैं। अगर हम अगले टर्म की बात करें तो अगला टर्म का क्या आता है, लीड इन, ये लास्ट होगा, और लीड आउट क्या है, ये लास्ट टॉपिक है। तो लीड इन क्या है, एक पाथ है जो क्या करता है, जिसमें टॉर्च इनिशियल एंटर यानी प्रारंभिक प्रवेश के बाद लेता है रास्ता, यानी कि पाथ बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, लीड इन। अगर वही लीड आउट क्या है, रास्ता है जो जिसमें टॉर्च क्या करता है, कटिंग के अंत में स्टार्ट करता है, या कटिंग के अंत में वो चीज़ लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीड आउट कहते हैं। एक छोटा सा आपको मैं वीडियो या इमेज दिखा दूँ, ये मिनिमम लीड आउट है, ये एक्सेसिव लीड आउट है। मिनिमम का मतलब क्या, एंड ऑफ कट पे जो टॉर्च है वो टेक्स आउट करता है, वो टेक्स करता है, या ये क्या है, अवे है, ज़्यादा अवे है एंड ऑफ कट से, तो उसे एक्सेसिव लीड आउट कहते हैं। लीड इन में क्या होता है, इनिशियल सेंटर में होता है। तो इस तरह से जो लास्ट चैप्टर था हमारा Unit 7, ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन टर्निंग एंड मशीनिंग या मिलिंग, वो इतना ही था। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसको देखते हैं बेटा, एक सेकेंड मुझे समय दे दीजिए बस। इसमें हमने देखा था ये क्वेश्चन, आई थिंक हमने देख लिया था, है ना। इसके आगे के क्वेश्चन हम कवर करते हैं। तो इसके आगे का क्वेश्चन हमने कहा था रिसेंट ट्रेंड से हम नेक्स्ट क्लास में, जब भी होगी हमारी, बताएंगे। तो बेटा जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर ली जाए, और आई थिंक इट इज़ मोर एनफ फॉर यू फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपके लिए काफ़ी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। द मशीन टूल इन विच कैलकुलेशन एंड सेटिंग ऑफ द ऑपरेशन ऑपरेटिंग कंडीशंस लाइक डेप्थ ऑफ कट, फीड, स्पीड आर डन ड्यूरिंग द मशीनिंग बाय द कंट्रोल सिस्टम इटसेल्फ इज कॉल्ड, मतलब कह रहा है मशीन टूल, या कह रहा है द मशीन टूल जिसमें कैलकुलेशन हम गणना करते हैं किसकी, जो ऑपरेटिंग कंडीशंस है जैसे कि डेप्थ ऑफ कट, फीड, स्पीड, उन सब को अगर मशीन टूल या मशीनिंग करते समय कंट्रोल सिस्टम खुद ही ले लेता है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, तो उसे आपको याद होगा एडॉप्टिव कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, जिसमें स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट मशीनिंग प्रोसेस में ऑटोमेटिकली यानी कि वो इट्स डिसाइड करता है स्वयं ही, तो एडॉप्टिव कंट्रोल हम सिस्टम कह रहे हैं ACS, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अडेप्टिव कंट्रोल टेक्निक,
तो इनमें से कौन सा एडेप्टिव कंट्रोल टेक्निक्स है? तो ऑप्टिमल ड्यूअल कंट्रोलर्स है, एक्सट्रीम सीकिंग कंट्रोलर्स है, आइटरेटिव लर्निंग कंट्रोल, तीनों यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा कि ऑल ऑफ द एबव। एफएमएस की बात कर रहा है, कह रहा है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स एंड सेल्स आर जनरली अप्लाइड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया। जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम, एफएमएस की बात कर रहे हैं, और जो सेल्स हैं इनमें से किस क्षेत्र में अप्लाई होते हैं सामान्यतः? तो बेटा वो जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और सेल्स है वो हाई वैरायटी और लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। वैरायटी ज़्यादा है लेकिन जो उत्पादन क्षमता है वो कम है, उत्पादन का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो कम है, लो वॉल्यूम है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एफएमएस का मेन कंपोनेंट कौन सा है इसमें से? तो बेटा एफएमएस का मेन कंपोनेंट माने मुख्य कंपोनेंट कौन कौन सा है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, ये तीनों होने चाहिए किस में? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AGV? अभी हम बार बार देख रहे हैं बेटा AGV का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, इंपॉर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। आगे बढ़ते हैं, विच इज़ नॉट बेनिफिट ऑफ FMS, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का लाभ नहीं है, तो इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? तो बेटा लीड टाइम एंड थ्रोपुट टाइम रिडक्शन, मतलब जो थ्रो आउटपुट टाइम घटता है और लीड टाइम घटता है, लीड का मतलब द गैप, वो घटता है, बिल्कुल सही है। क्वालिटी बढ़ती है, ये भी सही है, लाभ है इसके। इंक्रीज्ड यूटिलाइजेशन, प्रयोग या उपयोग बढ़ता है, ये भी सही है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल लेबर है, एक स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, वो बेटा FMS के एडवांटेजेस नहीं है, वो हानियां हैं, डिसएडवांटेज है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर। आगे बढ़ें, व्हाट डू फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डू, FMS यानी कि जो FMS क्या काम करता है, तो FMS का काम पूछा है। तो बेटा FMS का काम क्या होता है सिंपल में, कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्स अ रेंज ऑफ कंपोनेंट विदाउट सिग्निफिकेंट ह्यूमन इंटरवेंशन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। मतलब किसी एक कंपोनेंट की, किसी एक प्रोडक्ट की संपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग करता है बिना किसी ह्यूमन हस्तक्षेप के संपूर्ण प्रक्रिया में, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, उसी को हम FMS कह रहे हैं। अब एक चीज़ और पूछा है कि एडवांटेजेस क्या हैं FMS के, तो एडवांटेजेस क्या हैं बेटा, एक्चुअली मार्कर सेलेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है, भूल जा रहा है। FMS के फुल फॉर्म या फिर क्या है, तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एडवांटेजेस पूछा है, तो रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑब्वियसली अगर हमारा लीड टाइम घट रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगा हमारा, घटेगा ही। ग्रेटर लेबर प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल ज़्यादा वर्क है लेते हैं इससे। इंक्रीज सिस्टम रिलायबिलिटी, निकाय की विश्वसनीयता बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, यानी कि क्या हो जाएगा ये, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं, सिम का फुल फॉर्म पूछा है बेटा, तो सिम प्रोसेसेस में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों इन्वॉल्व होती है, तो सिम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट, इनमें से कौन सा औद्योगिक रोबोट यानी कि इंडस्ट्रियल रोबोट का एक उदाहरण नहीं है या लाभ नहीं है? तो जो इंडस्ट्रियल रोबोट है, कह रहा है वो खतरनाक परिस्थितियों में या स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। रूटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल होती है। अब कह रहा है गिव्स ग्रेटर एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी, तो नॉट पूछा है ना, तो रोबोट का जो हमारा एडवांटेजेस है इंडस्ट्रियल के लिए, ग्रेटर एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी भी देता है, हजार्डस कंडीशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो रूटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें कहीं कहीं जो इंडस्ट्रियल रोबोट है
वो नहीं देता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, सिम रियलाइजेज ऑन। तो जो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है बेटा, तो मतलब द इंटीग्रेशन ऑफ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब कहीं ना कहीं अगर हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे फीडबैक सिस्टम होगा, यानी कि वो क्या होगा, हमारा क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ सिम। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का एलिमेंट है। तो बेटा कंप्यूटर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेट करती है, प्रोग्राम भी होते हैं, सीएनसी मशीन टूल भी होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। आगे बढ़ते हैं, इन विच या इन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग किसकी बात कर रहा है, कैम की बात कर रहा है। इन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग द एलिमेंट्स ऑफ सिम हो गया ऑप्शन सी हमारा, नहीं ये क्वेश्चन हम नहीं कराए थे। तो कैम की बात कर रहा है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में द एलिमेंट्स ऑफ सिम सिस्टम। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का एलिमेंट पूछा है तो फुल फॉर्म में ही ये चीज़ दिख जाएगी, इंटीग्रेटेड, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। सिम में सिस्टम में पूछा एलिमेंट तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेशन ऑफ कैड एंड कैम, है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है बीच बीच में, कोई बात नहीं। बाई यूजिंग सिम, सिम का इस्तेमाल करते हुए, यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल करते हुए, टू कंट्रोल फेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम होम टू रीच व्हाट बेनिफिट। कह रहा है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल बेसिकली हम करते हैं तो उसमें हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो बेटा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही है, एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल सही है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, ये भी सही है, यानी जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, है ना। आगे बढ़ते हैं, द कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी दैट इज यूज टू डिज़ाइन। अब एक कीवर्ड से ही पहचानिए कि डिज़ाइन की बात कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो जाएगा, है ना। पूछा है वो कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी जिसमें हम पार्ट्स की डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या कहलाता है, तो वो बेटा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहलाता है, कंप्यूटर की सहायता से डिज़ाइन करना। आगे बढ़ते हैं, द कंप्यूटराइज टेक्निक, वही क्वेश्चन आंसर दिया था। कैम इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सिम। जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का एक कंपोनेंट होता है, जो विच फैसिलिटेट्स व्हाट एक्टिविटी, जो किस काम की अनुमति देता है। तो बेटा तो वो किस काम की अनुमति देता है, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स को के काम को नहीं कंट्रोल करता है, वो क्या करता है, डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस और डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कैम की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस और डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोसेस की डिज़ाइनिंग और प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग ही कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो सिम का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। आगे बढ़ते हैं, कैप का फुल फॉर्म पूछा है। तो जब मैं पढ़ा रहा था आपको, उसमें लास्ट में हमने CAPP का फुल फॉर्म बताया था, क्या है बेटा, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ सिम। इनमें से कौन सा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का लाभ नहीं है। तो बेटा फ्लेक्सिबिलिटी लाभ है, फुली ऑटोमेटिक लाभ है, लार्ज फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड, ये इसकी लाभ नहीं है बेटा, ये हानियां हैं कि उसमें ज़्यादा फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है और मिस्टेक प्रूफिंग भी होती है, लेकिन जो ऑप्शन सी है वो उसके लाभ नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, ये डिसएडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं, पूछा है इनमें से कौन सा सामान्य पर्पज़ के लिए प्रोग्रामेबल मशीन प्रोसेसिंग होती है, जो ह्यूमन के कैरेक्टर की तरह, मतलब जो सर्टेन ह्यूमन लाइक कैरेक्टर है, जिसके पास ह्यूमन के से रिलेटेड गुड होते हैं। तो बेटा बात किसकी कर रहा है, ये बात रोबोट की कर रहा है, रोबोट इज़ अ जनरल पर्पज़, है ना, प्रोग्रामेबल मशीन प्रोसेसिंग सर्टेन ह्यूमन लाइक कैरेक्टर, जिसके पास इंसानों की तरह यानी ह्यूमन की तरह कुछ लक्षण, कुछ गुड
मिलते जुलते हैं, जिसे प्रोग्राम किया जाता है और सामान्य पर्पज के लिए या सामान्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मशीनिंग प्रोसेस है। तो रोबोट की ही बात कर रहे हैं। अब पूछा है इनमें से कौन सा विच इज एरिया ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस विच अंडरस्टैंड द डिफरेंट प्रिंसिपल्स स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग ऑफ रोबोट। कीवर्ड पहचानी है, रोबोट की बात कर रहा है किसकी। इनमें से कौन सा एरिया है जो इंजीनियरिंग और साइंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इंजीनियरिंग एंड साइंस का वो कौन सा क्षेत्र है जो विभिन्न सिद्धांतों को, संरचना को और रोबोट की प्रोग्रामिंग को समझता है, तो बेटा उस ब्रांच को ही हम कहते हैं रोबोटिक्स ब्रांच ही होती है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ रोबोट, इनमें से कौन सा रोबोट का लाभ है। तो रोबोट के लाभ कौन कौन से हैं बेटा, वैरायटी ऑफ टास्क कर सकता है, कंप्यूटर कंट्रोल होते हैं, बिल्कुल कंप्यूटर से ही तो कंट्रोल होते हैं, रिपीटेटिव वर्क, काम को दोहराने की प्रक्रिया। तो बेटा रोबोट इन तीनों क्षेत्रों में माहिर होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ दी एबव। आगे बढ़ते हैं। विच फॉर्म ऑफ फॉर्म, या ऐसे कहते हैं कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ रोबोट, इनमें से कौन सा रोबोट का प्रयोग है, या रोबोट का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है। तो बेटा रोबोट का प्रयोग वेल्डिंग के लिए भी करते हैं, रोबोट का प्रयोग वेल्डिंग के लिए भी करते हैं और मशीन लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटर यूज्ड इन रोबोटिक एक्चुएटर, रोबोटिक एक्चुएटर यानी कि रोबोट के एक्चुएटर के लिए, रोबोट में जो एक्चुएटर्स होता है उसके लिए कौन सा मोटर इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो वो सिंक्रोनस भी होता है, वो स्टेपर भी होता है, वो एसी सर्वो मोटर भी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर सोर्स यूज्ड इन रोबोट, रोबोट में इनमें से कौन सा पावर सोर्स का इस्तेमाल होता है। तो बेटा चाहे वो इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स हो, चाहे न्यूमेटिक हो, चाहे हाइड्रोलिक हो, रोबोट इन तीनों तरह के पावर सोर्स का इस्तेमाल करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। आगे बढ़ते हैं। ग्रिपर्स आर यूज्ड टू, ग्रिपर्स बेटा रोबोट की जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं, इन सबको हम ग्रिपर्स कह सकते हैं रोबोट के। तो ग्रिपर्स का काम पूछा है, तो ग्रिपर्स का काम क्या है, टू होल्ड द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, सेंस द ऑब्जेक्ट, जी नहीं, मूव द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए और सी। फिंगर्स का काम हमारे क्या है बेटा, हम तो ह्यूमन है ना, इस हाथ में हमारे सेंसर है, सेंसर्स की बात नहीं कर रहा जो ऑब्जेक्ट को सेंस करना, हमें केवल ग्रिपर्स की मदद से ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है या ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। आगे बढ़ते हैं। सेंसर्स आर द ट्रांसड्यूसर दैट आर यूज्ड टू, सेंसर्स ट्रांसड्यूसर होते हैं जिसे प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है बेटा, तो सेंसर्स का इस्तेमाल फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा रोबोट का एक प्रकार है, तो रोबोट का बेटा चाहे पॉइंट टू पॉइंट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस हो, चाहे ज्वाइंट आर्म हो, ये तीनों ही रोबोट के प्रकार हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं। सेंसर्स विच आर कम इन कॉन्टैक्ट विथ सम सरफेस टू मीजर डिजायर्ड फिजिकल वेरिएबल आर नोन एज, वो सेंसर पूछा है जो क्या करता है, कुछ सतह ऐसे जिनकी फिजिकल यानी भौतिक विभिन्नताओं को मापने के काम में लाया जाता है, वो कैसे सेंसर्स होते हैं। तो वो बेटा हमारे कॉन्टैक्ट सेंसर होते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। आगे बढ़ते हैं। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट हैज़, जो दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम रोबोट के पास होते हैं, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, मतलब जो उनका वर्क स्टेशन होता है। जैसे मान लेते हैं अगर सिलिंड्रिकल रोबोट की बात करें, तो रोबोट कहीं अगर बीच में है तो वो जो ऑपरेशन करेगा एक सिलिंड्रिकल शेप में उसका वर्क स्पेस बनेगा, उसी को सिलिंड्रिकल रोबोट कहेंगे, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट कहेंगे। और जिनका वर्क स्पेशन, ऐसे भी रोबोट होते हैं जो सेंटर पे प्लेस किए जाते हैं और ये ऑपरेशन वो थ्रू या बाउंड्री करते हैं, मतलब जो उनका वर्क स्टेशन है वो स्फीयर के फॉर्म में है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट रोबोट कहलाते हैं या कहे जाते हैं। तो वही पूछ रहा है
सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट के पास कौन से मोशन होते हैं? तो बेटा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट के पास दो रैखिक गति और एक घुमाऊ गति होती है, दैट मीन्स कि टू लीनियर मोशन एंड वन रोटरी मोशन, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट रोबोट के पास क्या होता है बेटा? इसी का जस्ट रिवर्स, यानी कि क्या, एक रैखिक गति होती है और दो घुमाऊ गति होती है, मतलब इट इज़ हैविंग वन लीनियर मोशन एंड टू रोटरी मोशन। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट रोबोट, इनमें से कौन सा स्फेरिकल यानी कि क्या गोलाकार कोऑर्डिनेट रोबोट का प्रयोग है? तो बेटा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। क्यों? क्योंकि पिक एंड प्लेस रोबोट के लिए में भी हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रोबोट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डाई कास्टिंग और डीप कास्टिंग और फॉर्जिंग के लिए हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। आगे बढ़ते हैं, विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू रैपिड प्रोटोटाइपिंग डेफिनेशन, इनमें से कौन सा रैपिड प्रोटोटाइपिंग का टाइपिंग की परिभाषा नहीं है? तो बेटा रैपिड प्रोटोटाइपिंग की परिभाषा केवल प्रोडक्शन डेटा नहीं है, बाकी लेयर बाय लेयर फिजिकल मॉडल और 3D CAD डेटा, ये तीनों रैपिड प्रोटोटाइपिंग के डेफिनेशन में आते हैं। जो प्रोडक्शन डेटा है वो इससे रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ SLS का फुल फॉर्म पूछा है बेटा, तो सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग यानी कि ऑप्शन सी हो जाता है। आगे बढ़ें, तो व्हाट इज़ द फॉर्मेट फॉर प्रोटोटाइपिंग मशीन फाइल, प्रोटोटाइपिंग मशीन के लिए कौन सा फॉर्मेट या प्रोटोटाइपिंग मशीन फाइल के लिए कौन सा फॉर्मेट होता है बेटा? तो .SLT फॉर्मेट होता है, इसको याद कर लीजिएगा, .SLT होता है, ऑप्शन सी, सॉरी .STL, आई एम सॉरी, और ध्यान नहीं आया, ये .STL होती है बेटा, है ना, प्रोटोटाइपिंग फॉर्मेट, प्रोटोटाइपिंग मशीन फाइल के लिए जो फॉर्मेट होती है वो .STL होती है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, STL का फुल फॉर्म पूछा है, तो STL का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड टेलीसेशन लैंग्वेज होता है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, स्टैंडर्ड टेसिलेशन लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, STL का फुल फॉर्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक, इनमें से कौन सी रैपिड प्रोटोटाइपिंग, जब मैंने कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पिछले सेमेस्टर में पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि इसमें से क्या रैपिड प्रोटोटाइपिंग की टेक्निक कौन कौन सी है? तो बेटा स्टीरियो लिथोग्राफी भी है, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी है, और 3D इंकजेट प्रिंटिंग भी है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। आगे बढ़ते हैं, एक्चुएटर से कुछ क्वेश्चन डाले हैं, सेंसर से कुछ क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं, तो एक्चुएटर से कौन कौन से क्वेश्चन है? तो एक वॉल्व पोजिशनर का काम क्या होता है? तो ये एक वॉल्व पोजिशन क्या करता है बेटा? तो वॉल्व की पोजिशनिंग करता है, दैट मीन्स क्या कि प्रोवाइड मोर प्रिसाइज वॉल्व पोजिशन, ज़्यादा सटीक वॉल्व की स्थिति को दर्शाता है या वो स्थिति को देता है, वही क्या है? वॉल्व पोजिशनर है। आगे बढ़ते हैं, द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्प्रिंग इन कंट्रोल वॉल्व, कंट्रोल वॉल्व में जो स्प्रिंग है उसका मुख्य काम क्या होता है, बेसिक काम क्या होता है? तो बेटा जो कंट्रोल वॉल्व में स्प्रिंग होते हैं उनका मुख्य काम क्या होता है? वो क्या करते हैं, डायफ्राम का अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, जिससे वॉल्व की जो सिग्नल प्रेशर है या सिग्नल प्रेशर के अकॉर्डिंग जो वॉल्व क्या है अपनी स्थिति में आ जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं वॉल्व में। आगे बढ़ते हैं, अ हाई प्रेशर फ्लो प्रोसेस रिक्वायर्स अ वॉल्व विद टाइट पैकिंग, दिस वुड सजेस्ट दैट, मैं कह रहा है ये जो हाई प्रेशर प्रोसेस होता है, फ्लो प्रोसेस होता है, इसमें एक टाइट पैकिंग वॉल्व का इस्तेमाल होता है, वो क्या सजेस्ट करता है? तो बेटा वो क्या करता है कि एक्चुएटर मस्ट बी साइज टू प्रोवाइड एडिक्वेट फोर्स, जो एक्चुएटर्स होता है वो उस आकार में होना चाहिए कि जितने फोर्स की ज़रूरत होती है उतना फोर्स वो दे सके। आगे बढ़ते हैं, पूछा है एन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर क्रिएट्स 4 to 20 मिली एम्पियर DC सिग्नल दैट मस्ट एक्चुएट अ सिस्टम वॉल्व फॉर टेम्परेचर कंट्रोल, द बेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल चॉइस वुड बी, कह रहा है
एक 4 टू 20 मिली एम्पीयर डीसी सिग्नल है जिसे एक्चुएट करने के लिए स्टीम वाल्व का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कह रहा है तापमान को कंट्रोल करने का, तो कह रहा है इनमें से कौन सा बेस्ट चॉइस होगा। तो बेस्ट चॉइस बेटा न्यूमेटिक एक्चुएटर का इस्तेमाल करते हैं, किसके साथ, इलेक्ट्रिक टू न्यूमेटिक सिस्टम वाल्व पोजिशनर के साथ, है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, अ प्रेशर कंट्रोल प्रोसेस यूजिंग अ प्रोपोर्शनल पल्स या प्लस इंटीग्रल, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोल हैज़ अ टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ 10 सेकेंड्स। कह रहा है एक प्रेशर कंट्रोल प्रोसेस है जो क्या कर रहा है, प्लस इंटीग्रल के समानुपाती है, जो कंट्रोल कर रहा है टाइम कॉन्स्टेंट 10 सेकेंड का लेकर के। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक्चुएटर्स हम चॉइस करेंगे, हम रिकमेंड करेंगे। तो बेटा वो हमारा क्या होगा, न्यूमेटिक डायफ्राम होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो रोबोटिक्स के थ्योरी से लिए गए हैं, क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे प्रैक्टिस करानी थी, मे बी कुछ भी हो सकता है, पूछ सकते हैं, तो मैंने प्रैक्टिस करा दी बेटा, ठीक है ना। वन एडवांटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक टू न्यूमेटिक वॉल पोजिशनर, इलेक्ट्रिक से न्यूमेटिक, न्यूमेटिक मीन्स वॉट, एयर, इलेक्ट्रिक से न्यूमेटिक वॉल पोजिशन का लाभ क्या, मतलब हम इलेक्ट्रिक से न्यूमेटिक वॉल पोजिशन में जब आते हैं तो उसके लाभ क्या है, वाई वी आर यूजिंग द न्यूमेटिक वॉल पोजिशनर। तो बेटा उसके लिए क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वॉल पोजिशनर होता है, क्योंकि ये एक धनात्मक वॉल्व की स्थिति को उत्पन्न करता है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं न्यूमेटिक पोजिशनर का, किसके तुलना में, इलेक्ट्रिक आउटपुट या इलेक्ट्रिक पोजिशनर की तुलना में। आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली इसी के क्वेश्चन पूछा है, तो पूछा बहुत सारे डेटा दिया है, अ सिंगल सीटेड ग्लोब वॉल कंटेनिंग अ प्लग ऑफ 1.5, मतलब 1.5 इंच की बात कर रहा है, 1.5 इंच इन डायमीटर इज यूज इन अ लाइन प्रेशराइज 2500 PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच, व्हाट एक्चुएटर्स फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर टाइट स्टफ ऑफ या टाइट शट ऑफ। एक पैरामीटर्स दिया है 1.5 इंच का है डायमीटर में, तो उनके प्रेशराइज के लिए 500 PSI का प्रेशर है, तो पूछा है कौन सा एक्चुएटर टाइट शट ऑफ के लिए इस्तेमाल होगा। तो बेटा एक चीज़ जान लीजिए, उस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द वॉल्व से प्रवाह पे वो निर्भर करता है, या प्रवाह की दिशा पे निर्भर करता है, न कि इन सारे पैरामीटर्स पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेंसर से कुछ क्वेश्चन हमने पिक किए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस कुछ सेंसर्स पे भी हो जाए। द मोर करेक्ट अ सेंसर कैन मीजर द मोर, करें अगर कोई सेंसर ज़्यादा ठीक या सही है तो वो ज़्यादा क्या मापेगा या ज़्यादा क्या होगा, तो वो बेटा ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ऑब्वियसली वो ज़्यादा सटीक माप करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा 1 एक्यूरेट। दूसरे पे आते हैं, द स्मॉलेस्ट चेंज विच अ सेंसर कैन डिटेक्ट इज टर्म, कह रहा है अगर कोई भी थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो सेंसर अगर डिटेक्ट कर ले रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको बेटा हम रिजोल्यूशन कहते हैं सेंसर का, है ना, मतलब थोड़ी सी भी चेंजिंग पे अगर वो डिटेक्ट कर ले रहा है तो हम उसको सेंसर का रिजोल्यूशन कहते हैं। टच स्क्रीन ऑफ मोबाइल फ़ोन यूजर्स, जो मोबाइल फ़ोन की टच स्क्रीन होती है वो किसका इस्तेमाल करती है, तो बेटा कौन से सेंसर्स होते हैं उसमें, तो उसमें बेटा टेक्सटाइल या टैक्टाइल सेंसर होते हैं, जो क्या करता है मोबाइल फ़ोन की टच स्क्रीन में होता है। द थर्मिस्टर हुज रेसिस्टेंस इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वो थर्मिस्टर कौन है जिसका प्रतिरोध बढ़ाने पर उसका तापमान बढ़ जाता है, तो बेटा वो कौन सा थर्मिस्टर होगा। ऑप्शन आपका क्या है, बी है, दूसरा है, यानी कि PTC थर्मिस्टर। अब PTC थर्मिस्टर का फुल फॉर्म पूछेंगे तो बेटा PTC थर्मिस्टर का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट थर्मिस्टर, PTC थर्मिस्टर। आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट थर्मिस्टर, PTC थर्मिस्टर। कह रहा है साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर, ऐसा कौन सा सेंसर है या कौन सा ट्रांसड्यूसर है जो साउंड एनर्जी को यानी ध्वनि ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो बेटा आप इसको अच्छी तरह जानते हैं, भली भांति क्या है वो, हमारा माइक्रोफोन है। विच टाइप ऑफ सेंसर इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन इट्स एनवायरमेंट, कह रहा कौन सा इनमें से कौन सा सेंसर है जो क्या करता है,
व्हीकल और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को मापता है किसी भी वातावरण में, किसी भी इन्वायरमेंट में या अपने इन्वायरमेंट। तो बेटा हमने बताया था वो कौन से सेंसर होते हैं जो डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं रोबोटिक्स में, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यू आर ड्राइविंग योर कार एंड इन द मिडिल ऑफ द रोड द इंजन लॉसेस पावर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबल रीजन। आपको एक टास्क दिया है और पूछ रहा है, तो पूछ ये रहा है, अगर मान लीजिए आप कार अपना चला रहे हैं और कार के बीच में यानी रोड के बीच में कार चलाते हुए रोड के बीच में इंजन जो है वो बंद हो जाए यानी कि लॉसेस पावर बंद हो जाए, तो इनमें से कौन सा रीज़न हो सकता है। तो पहला रीज़न क्या है, PCM इज गेटिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, द अल्ट्रासोनिक सेंसर ऑफ द कार इज फॉल्टी, बोथ ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस। तो जब भी आप कभी कार चला रहे हैं और रोड के बीच में आपका इंजन अगर बंद हो जाए, तो जो PCM है यानी कि पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल है, PCM का फुल फॉर्म बेटा पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल, जो PCM है वो PCM क्या करता है, कैमशाफ्ट से पोजीशन सेंसर, बेसिकली कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर से जो इन्फॉर्मेशन लेता है वो गलत ले रहा है, इसी वजह से हमारा क्या होता है, इंजन जो है बंद हो जाता है बिटवीन द ऑपरेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बोथ ऑफ दिस यानी कि क्या, सी ऑप्शन। और दूसरा रीज़न इसका यह है कि जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो दूरी को मापता है वो भी क्या है, बिगड़ चुका है, वो भी हमारा फॉल्टी है, ख़राब है ना। तो दोनों केसेस के लिए जो हमारा इंजन है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। DHT22 सेंसर इज़ यूज टू सेंस। अब बेटा जो DHT22 की बात कर लें या हम बात करें DHT11 सेंसर, ये बेसिकली ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर है, जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को सेंस करता है। पूछ रहा है क्या करता है, तो अगर इसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों दिखे तो दोनों सही है, नहीं तो कोई एक, ऑब्स्टेकल्स गलत है, रेसिस्टेंस गलत है, पोजीशन गलत है। ह्यूमिडिटी को सेंस करता है एज वेल एज टेम्परेचर को भी सेंस करता है। तो बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ह्यूमिडिटी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। टैकोमीटर क्या इस्तेमाल करता है, तो बेटा मैं टैकोमीटर जब पढ़ा रहा था तो उसको बताया था कि वो स्पीड सेंसर ही है, तो टैकोमीटर क्या करता है, स्पीड ऑफ द शाफ्ट है ना, तो यानी कि स्पीड को सेंस करता है। टैकोमीटर से क्या मेजर करते हैं, स्पीड मेजर करते हैं, वो क्वेश्चन ख़त्म ही था। टैकोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, तो टैकोमीटर से हम स्पीड मेज़र करते हैं, स्पीड ऑफ द शाफ्ट। इसी के साथ हमारा सारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है बेटा, और क्वेश्चन को हमने जितने भी जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं हमने क्वेश्चन बनाए हैं। इन दैट फ्यूचर अगर भविष्य में कभी भी क्वेश्चन हमें लगेगा कि और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी चाहिए या ये क्वेश्चन भी कराना चाहिए या इम्पॉर्टेंट है या ये लेफ्ट हो गया, वैसे लेफ्ट तो मैंने किसी टॉपिक से किया नहीं है, सारे टॉपिक से, हर सिलेबस के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया है, प्रैक्टिस करा दी है। अब आपको करना ये है कि आपको फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड मतलब लेक्चर 1 से लेक्चर 7 तक आपको पहले कन्वेंशनल की थियोरी सारी पढ़नी है जो मैंने पढ़ाई है, और उससे रिलेटेड मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं उस क्वेश्चन की आपको कई बार प्रैक्टिस करनी है। तो इतना करने के बाद आप सिलेबस आपका जो है कम्प्लीटली कवर हो जाएगा, इसमें कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, कोई भी टर्म मैंने छोड़ा नहीं है, कोई भी डेफिनेशन तक मैंने छोड़ी नहीं है, तो आपके सिलेबस का जो 100% कवरेज है वो हो चुका है विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो बस आज की क्लास आपकी CNC मशीन एंड ऑटोमेशन की लास्ट क्लास है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग फालतू में परेशान थे कि सर सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, अच्छी चीज़ें लाने में बेटा समय लगता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, इट रिक्वायर्स टाइम, तो इसे टाइम की ज़रूरत पड़ती है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है,
मुझे पता है, तो कब पढ़ाना था, कैसे पढ़ाना था और क्या पढ़ाना था ये मैंने कर दिया, अब आपका काम है पढ़ना। ठीक है, चलिए बाय।